सो दोस्तों, मेरा नाम है बाबी। आप देख रहे हैं ब्रेक टाइम टेक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फोन का जो डिस्प्ले होता है उससे कैसे हम बैक बटन, होम बटन एंड रिसेंट बटन को रिमूव कर सकते हैं। तो आपका जो डिस्प्ले है उसमें कोई भी सा भी बटन नहीं रहेगा, पूरा का पूरा स्क्रीन आपका यूज होगा। तो उसको कैसे करेंगे एंड एक फुल स्क्रीन गेस्चर का एक फीचर्स आता है उसको भी कैसे यूज करेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये है आपका स्क्रीन। यहाँ पर नीचे आपको तीन बटन दिख रहा होगा। ये है आपका बैक बटन, ये है आपका मेन्यू बटन, ये है आपका रिसेंट बटन। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आपका फोन का सेटिंग ओपन करना होगा। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाइए, उसके बाद फुल स्क्रीन डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो टाइप का फुल स्क्रीन दिखाएगा। सबसे पहला तो यह है बटन्स, ये है फुल स्क्रीन गेस्चर। देखो बॉटम में क्या है, आपको नीचे तीन बटन मिलेगा। इस तीन बटन को आप रिमूव भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन वो बटन की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर है देखिए फुल स्क्रीन गेस्चर। फुल स्क्रीन गेस्चर में आपका कोई बटन नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर सिर्फ स्वाइप करना है। राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, ऊपर स्वाइप, ये सब स्वाइप करके आपको इस तीन बटन का काम करना है, जो कि बैक, मेन्यू एंड रिसेंट। इन तीनों का काम आपको स्वाइप करके करना है। देखो अभी तो हमारा बटन में है, तो अभी हम इसको फुल स्क्रीन गेस्चर में करेंगे। बटन तो सबको पता होगा, ओके, फुल स्क्रीन गेस्चर में कैसे होता है ये देखते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये बोलेगा आपको सबसे पहले सीखना होगा, तो सीखेंगे हम। लर्न में क्लिक करेंगे एंड देखिए यू कैन परफॉर्म गो टू होम स्क्रीन ओपन रिसेंट एंड गो बैक, जो मैं बताया था। यहाँ पर लर्न में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अभी आपको सिखाएगा स्वाइप फ्रॉम द बॉटम क्विकली। मतलब बॉटम से आपको इसे अगर स्वाइप कर देंगे तो ये आपका जो आप विंडो ओपन किए होंगे वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर नहीं, मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद स्वाइप फ्रॉम द बॉटम एंड पॉज। अगर आप इसको ऐसे स्वाइप करके यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो रिसेंट टैब जितने ओपन हुए थे ये सब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। स्वाइप राइट फ्रॉम द एज, यहाँ से अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो ये हो जाएगा बैक, एंड स्वाइप लेफ्ट फ्रॉम द एज तो ये हो जाएगा आपका बैक। ओके, तो अभी आप रेडी है एंड इसको आई एम डन कर दीजिए। उसके बाद अभी आप दिख रहा होगा कोई भी बॉटम आप यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, डबल चेक फॉर द गेस्चर, इन सबको ऑन एनेबल कर देना। ये जो होम स्क्रीन गेस्चर है ये पहले दो दिन थोड़ा आपको ऑड लगेगा, उसके बाद आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अभी आप ओपन करते हैं एंड देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं आप ओपन करता हूँ, लेट प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन हो गया, अभी हम इसको अभी बैक करना है और मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या, नीचे से ऊपर ऐसे छोड़ देंगे तो ये मिनिमाइज हो गया, ओके। एंड अभी रिसेंट ऐप्स जितने खोला था उन सबको देखना है, तो इसे नीचे से ऊपर खींच के रख देना है, तो आपको रिसेंट ऐप्स यहाँ पर दिख जाएगा। तो लेट कुछ काम करते हैं, माई ऐप्स एंड गेम्स। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक कैसे जाएंगे, राइट से लेफ्ट आपको स्वाइप करना है। तो राइट से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो पहला विंडो ओपन हुआ था वो ओपन हो जाएगा। एंड थोड़ा सा ऐसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बैक हो जाएगा, ओके। इस तरह से आपको इसको यूज करना है। तो इसी तरह से आप अपने फोन में फुल स्क्रीन गेस्चर जो फीचर है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके फोन के डिस्प्ले में आपका बैक बटन, होम बटन एंड रिसेंट बटन को रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक एंड कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।